आज राजेंद्र नगर असेंबली हलके के शासीपुरम डिवीजन में एनपीए के सामने किंग्स फाइव में मस्जिद खैर उनीसा बेगम में आज मैं और हमारे कारपोरेटर जनाब मोहम्मद मुबीन साहब ने जुम्मे की नमाज अदा की है। यहाँ के कॉलोनी वालों का इसरार था कि आज यहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए हमारे को बुलाए, क्योंकि ये कॉलोनी में बाजू का राघवेंद्रा कॉलोनी है और ये किंग्स फाई है, यहाँ पर मस्जिद नहीं है। उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के कॉलोनी के लोग यहाँ पर मस्जिद बनाए हैं। कल यहाँ के ज़ुम्मेदार सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरेशर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी बात करे थे। सदर मोहतरम ने मुझे और हमारे कारपोरेटर जनाब मोहम्मद मुबीन साहब को हिदायत दिए कि आज यहाँ पर जाके कॉलोनी में दौरा करें। दौरे के बाद हमने यहाँ पर आकर जुमे की नमाज़ भी अदा की करे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी यही चाहती है कि आने वाला महीना माह रमज़ान का है और इबादतों का महीना है। यहाँ पर इस मस्जिद में इबादत होगी तो यहाँ के कॉलोनियों के लोगों को भी सहूलत होगी और यहाँ पे जो राघवेंद्रा कॉलोनी है, एकता कॉलोनी, वो लोग को भी सहूलत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। यह है, मैं यहाँ का महल्ले का आदमी हूँ। फेस फाई जो है अपना किंग कॉलोनी फेस फाई से जो है यहाँ पे एक मस्जिद काफ़ी टाइम से थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है जुम्मा भी हुआ है आज और चल रहा है जुम्मा हमेशा, और रमज़ान की जो है तैयारी की जा रही है, जिसकी तरफ से हमारे इंचार्ज रहमत बेग साहब वगैरह आए थे यहाँ पे और हमारे कॉरपोरेटर साहब भी आए थे मुबीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग का पूरा सदर साहब की सदारत में जो है देखने के लिए जो है क्या ऐसा चल रहा है मामला, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है मस्जिद का। और तरावी का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। हमारे महल्लेदारों से गुजारिश है कि आप लोग आइए और ख़ास तौर पर जो है ना रमज़ान का जो तरावी का एहतराम किया जा रहा उसको भी आप लोग आके मुकम्मल